गुजरात में शराबबंदी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बीच तेज हुई बयानबाजी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मंगलवार को जोधपुर में सीएम गहलोत ने गुजरात सीएम को चैलेंज किया कि रूपाणी साबित करे और उनके राज्य में अधिकांश घरों में शराब का सेवन नहीं किया जाता है, या तो रूपाणी राजनीति छोड़ दे अथवा वह स्वयं राजनीति छोड़ देंगे। गहलोत ने कहा कि गुजरात में शराबबंदी होने के बाद भी आसानी से शराब मिलती है, ये शराब पीने वाले और नहीं पीने वाले दोनों जानते हैं। गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब की खपत को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि हिम्मत है तो गहलोत राजस्थान में शराबबंदी लागू करे। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को उदयपुर में शराबबंदी के मामले में गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा था कि गुजरात में आज़ादी के बाद से शराबबंदी है, लेकिन वहां सबसे अधिक शराब बिकती है। गुजरात में घर घर में शराब पी जाती है। गहलोत ने यह भी कहा कि वह खुद व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन इसको प्रतिबंधित करने से पहले कड़े प्रबंध भी आवश्यक है, अन्यथा गुजरात की तरह प्रतिबंध से कोई मायने नहीं रह जाते। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के इस बयान पर सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि गहलोत जी ने गुजरात में घर घर दारू पी जाती है ऐसा बयान देकर 6.5 करोड़ गुजरातियों का अपमान किया है। वह सभी गुजरातियों को शराबी भी कहा उनको शोभा नहीं देता। वहीं गुजरात कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा और गहलोत को गुजरातियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी।